प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। फिलिपियों की पत्री 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से विचारों का मूल्य विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। जो कोई नहीं सोचता और ना कोई विचार करता है, लेकिन प्रभु के नाम के महत्व को समझते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए जो व्यक्ति अपने विचारों को रखता है, उसके जीवन में प्रभु की अनेकों भलाइयों को हम देख सकते हैं। जो वचन हमने पढ़ा उसमें कहा गया है ध्यान लगाया करो। हमें किन बातों पर ध्यान लगाना है? लिखा गया है जो सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर हमें अपने ध्यान को लगाना है। और आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं रखते तो जो अनुचित और इन विचारों के विपरीत है, वो भी विचार हमारे मन में आ सकते हैं और उन विचारों के अनुसार हमारी प्रवृत्ति हो सकती है। इसीलिए प्रभु के समक्ष वो अनुचित और अपमानजनक हो सकता है। जब प्रभु हमें एक और दिन दान में देते हैं, तो उस दान के जीवन का महत्व हम समझें और हमारे विचारों को प्रभु के समक्ष उचित होने दें, हमारे विचार उचित और पवित्र होने पाएं। एक बार एक पिता ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें 1,000-1,000 रुपये दिए। पिता के द्वारा ये इसलिए किया गया ताकि पिता उनके विचारों की सीमा की परीक्षा ले सके। तीनों बेटों की एक ही परीक्षा थी कि जब पिता शाम को नौकरी के बाद घर लौटें, तब उनके घर में एक छोटा सा कमरा था। वो कमरा उस 1,000 रुपये से खरीदे गए किसी भी सामान से उनको भरना था। परीक्षा ये थी कि वो जो भी उससे खरीदे, उससे उस कमरे को भर दें। इस प्रकार एक एक दिन तीनों बेटों को अवसर दिया गया। पहले दिन जब पिता नौकरी के बाद घर लौटे, तो पहले बेटे की परीक्षा का दिन था। बड़े बेटे ने उस 1,000 रुपये से रुई खरीदी और उस छोटे से कमरे को रुई से भर दिया। पिता बहुत ही उत्साह से उस कमरे को खोलने गए। उन्होंने देखा कि पूरा कमरा रुई से भरा हुआ है। पिता ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। दूसरे दिन दूसरे बेटे की परीक्षा का दिन था। उसने 1,000 रुपये से धान के छिलकों को खरीदा और उस छोटे से कमरे को पूरे धान के छिलकों से भर दिया। पिता नौकरी के बाद जब घर लौटे, तो उन्होंने कमरा खोला और देखा कि पूरा कमरा धान के छिलकों से भरा हुआ है। पिता ने फिर दूसरे दिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बच्चों का उत्साह कम होने लगा क्योंकि पिताजी कुछ बोल नहीं रहे और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तब तीनों ने सोचा कि हो सकता है हम तीनों की परीक्षा लेने के बाद ही पिताजी अपनी प्रतिक्रिया हमसे बांटेंगे। ये सोचकर उन तीनों ने अपने आप को तसल्ली दी। तीसरे दिन पिताजी के आने का समय हुआ। इस बार तीसरे बेटे की बारी थी। तीसरा बेटा बाहर जाकर 1 रुपये में एक मोमबत्ती खरीद ले आया। पिताजी को आते हुए देखकर बेटा अंदर कमरे में गया और उसने उस मोमबत्ती को जलाया। पिताजी जब कमरे के अंदर आए और उन्होंने देखा कि पूरा कमरा मोमबत्ती की रोशनी से भरा हुआ था। प्रियो, इस कहानी में तीनों बेटों की तीन तरह की सोच और उसी तीन तरह की प्रवृत्ति को हमने देखा। तीसरे बेटे की सोच और उसकी प्रवृत्ति से हमने देखा कि उसने 1 रुपये की एक मोमबत्ती से उस पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया। प्रियो, इस कहानी का वो कमरा हमारा हृदय, हमारा जीवन होने पाए। इस संसार में दिखने वाली चीजें और इस संसार में सुनने वाली बातों से हम अपने हृदय रूपी कमरे को ना भरने पाए, बल्कि
सत्य वचन अर्थात ख्रिस्त यीशु को अपने जीवन में भरें और अपने जीवन को प्रकाशित करें। ख्रिस्त यीशु के विचारों से हम अपने हृदय को भरने पाएं और उसके परिणाम स्वरूप हमारी प्रवृत्ति से समूह को भी हम प्रकाशित करने पाएं। हमारे विचार उचित और पवित्र होने पाए और इसमें प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु आपका ये दिन बहुतायत से अनुग्रहित करें। आमीन।